सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल सिंधी रसोई को और प्रेस कीजिए इस बेल आइकन को ताकि हमारी नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। चलिए फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताऊंगी कि मैं अपने घर में सेल ब्रेड किस तरीके से बनाती हूँ। इसके लिए मैंने ली है 4 व्हाइट ब्रेड स्लाइसेस। आप चाहें तो इसे पाव से भी बना सकते हैं, लेकिन मुझे पाव से बनी हुई सेल ब्रेड का टेस्ट कुछ खास पसंद नहीं आता है, तो मैं इसी तरीके से व्हाइट ब्रेड से ही इसे बनाती हूँ। इस तरीके से मैं इसे कट कर लूंगी। हर एक ब्रेड स्लाइस से मैं 4-4 पीसेस बना लूंगी। ये देखिए, इस तरीके से बहुत ज्यादा छोटा आपको इसे नहीं कट करना है। साथ ही मैंने लिया है 1 मीडियम प्याज, जिसे मैंने धोकर छीला और बारीक काटा। 1 मीडियम टमाटर, इसे भी धोकर बारीक काटा है। रिफाइंड ऑयल, नींबू का रस, 1 पिंच हींग, 1 छोटा चम्मच धनिया पाउडर, आधा छोटा चम्मच हल्दी पाउडर, आधा छोटा चम्मच लाल मिर्च पाउडर, नमक स्वाद अनुसार, आधा छोटा चम्मच जीरा और 1/4 छोटा चम्मच सरसों दाना। चलिए अब हम सेल ब्रेड बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं पैन में डालूंगी 2 टेबलस्पून रिफाइंड ऑयल और इसे बिल्कुल अच्छे से गर्म करूंगी। तेल अब अच्छे से गर्म हो चुका है। अब मैं इसमें डाल रही हूँ 1 पिंच हींग, जीरा और सरसों दाना। इसे अच्छे से क्रैकल होने तक भून लेंगे। थोड़ा सा मैं इसे चला लेती हूँ। मसाले अच्छे से भुन चुके हैं। अब मैं इसमें डालूंगी बारीक कटा हुआ प्याज। जब आपके मसाले अच्छे से भुन जाएं, फ्लेम को आप लो कर दें और इसमें कटा हुआ प्याज डालें। प्याज को हम कंटिन्यूअसली चलाते हुए इसका कलर थोड़ा सा चेंज होने तक पका लेंगे। ये देखिए, प्याज का कलर अब थोड़ा सा चेंज हो रहा है। इसमें हल्का हल्का गोल्डन कलर आना शुरू हो रहा है। तो बस इसी स्टेज पर मैं डालूंगी बारीक कटा हुआ टमाटर और फ्लेम को बिल्कुल लो कर दूंगी। लो फ्लेम पे हम इसे तब तक पकाएंगे जब तक टमाटर बिल्कुल अच्छे से सॉफ्ट और मैशी ना हो जाए। ये 1 पीस टमाटर का मेरा रह गया है, कोई बात नहीं, इसमें मैश हो जाएगा। साथ ही मैं डाल दूंगी नमक, जिससे कि टमाटर जल्दी कुक हो सके। इसे अच्छे से मिला लूंगी और पैन को कवर करके हम लो फ्लेम पे 2-3 मिनट तक छोड़ देंगे ताकि टमाटर अच्छे से सॉफ्ट हो सके। 2-3 मिनट हो गया है, आप देख सकते हैं टमाटर अब सॉफ्ट हो गए हैं। इसी तरीके से हमें इसकी कंसिस्टेंसी चाहिए। बहुत ज़्यादा मैशी टमाटर भी नहीं चाहिए, हल्के हल्के चंक्स रहें। अब मैंने इसमें डाल दिया धनिया पाउडर, हल्दी पाउडर और लाल मिर्च पाउडर। इन सबको हम 1 मिनट तक लो फ्लेम पे पकाएंगे ताकि मसाले भी अच्छे से पक जाएं। इसे हम इस तरीके से थोड़ा थोड़ा मैश करते रहेंगे। मसाले अच्छे से पक गए हैं, इनकी अच्छी सी खुशबू आ रही है। बस मैं इसमें डालूंगी 1 छोटा कप पानी। ये तकरीबन 100 ml पानी मैंने डाला है। और पानी डालते ही आपको फ्लेम को कर देना है हाई और इसे 1 उबाल आने तक पकने देना है। ये देखिए, पानी उबल रहा है। जब पानी अच्छे से उबलने लगे, उसी समय आप इसमें ब्रेड ऐड करें। और पानी बहुत ज़्यादा आपको नहीं डालना है। इसे हम कंटिन्यूसली चलाते हुए तब तक पकाएंगे जब तक जो पानी है वो ब्रेड पूरे तरीके से एब्जॉर्ब ना कर ले। इस तरीके से ज़्यादा पानी डालेंगे तो ब्रेड बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो जाएगी और फिर उसमें टेस्ट नहीं आता है। दोस्तों, मुझे हरा धनिया नहीं मिला है। अगर आपको हरा धनिया मिलता है तो उसे आप बारीक काट के इसी समय 2 बड़े चम्मच बारीक कटा हरा धनिया डालें। मैं डाल रही हूँ 1 छोटा चम्मच नींबू का रस और इसे भी अच्छे से इसमें मिक्स कर लूँगी। बस आप देख सकते हैं, ब्रेड अब नीचे पैन में थोड़ी थोड़ी चिपकनी शुरू हो गई है, यानी कि सेल ब्रेड बनके तैयार है। इसी तरीके से दोस्तों, आप भी सेल ब्रेड बनाएं। जैसा कि मैंने बताया, अगर आपको हरा धनिया मिले तो उसे बारीक काट के इसमें ज़रूर डालें, उससे इसका टेस्ट बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। लेकिन मुझे नहीं मिला था तो मैं नहीं डाल पाई हूँ। रेसिपी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में लिख के ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी के साथ, तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।